चलो हम आ चुके हैं। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये मेरा ब्लैक हो रहा है ये पार्ट। मैं जो है वो पीआर पैकेज रिसीव हुआ है आज सुबह। जब मैं उठी तो मेरे पास ये सारा पीआर पैकेज आया हुआ था। जी जनाब, तो हमारा कलर हो गया डन। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और देख रहे होंगे आप, मैं रेडी शेडी हो गई हूँ। हम लोगों ने जाना है हसन के स्कूल में और वहाँ जाके ज़रा मीटिंग करनी है अबाउट करिकुलम एंड अगला जो हसन की क्लास है वो क्या है, किस तरह से सब कुछ होगा, क्योंकि 9th क्लास है और मे बी ही विल डू ओ लेवल्स और नॉट। उसने मैट्रिक सिस्टम करना है या ओ लेवल्स, तो वो हसन ने डिसाइड करना है, बट हमें एक मीटिंग करनी है। तो अब हम चलते हैं वहाँ पे, फिर आपको आगे के सिलसिले दिखाते हैं। जी जनाब, हसन के स्कूल से हो गई हमारी मीटिंग और अब हम जा रहे हैं मे बी घर की तरफ। तो फिर आगे क्या करना है, क्या प्लान्स हैं वो दिखाते हैं आपको। जी जनाब, तो हम लोग हसन के स्कूल से आ गए थे और मैंने खाना नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है और शाम के 5:30 भी बज रहे हैं और मुझे भूख बहुत लगी है। मगर मैंने एक चीज़ सोची थी कि मुझे आज ये करवाना है, अल्लाह करे कि हो जाए, क्योंकि इस वक्त सैलून्स वाले डाई और स्टिकिंग का कोई चीज़ लेते नहीं है। तो मैंने ये सोचा था कि मुझे अपना हेयर का कलर चेंज कराना है। अब वो क्यों सोचा था, इसलिए सोचा था क्योंकि यहाँ पर मेरे हेयर में 3 कलर आ रहे हैं। ये देखें आप, ये ब्लैक है, ये ब्लैक हो गया है, ये वाला देखें यहाँ तक रेड है, ये रेड है, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है नहीं, ये वाला रेड है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक गोल्ड है पूरा। तो अब ये 3 कलर कैसे हुए, वो ऐसे हुए कि मैंने स्टिकिंग कराई थी आज से 2 साल पहले, तो वो स्टिकिंग यहाँ तक उतर आई, फिर उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं यहाँ डाई लगा लूँ। जब मैंने डाई किया तो वो डाई भी यहाँ तक आ गया, यहाँ तक, और ये ब्लैक हो गया, ये रेड हो गया और ये गोल्ड हो गया। देखें आप, नीचे स्टिकिंग की आपको लाइन्स भी नज़र आ रही होंगी। तो अब इस क्लाउन ज़्यादा बालों को, 3 कलर के बालों को मैं लेके कहाँ जाऊँ। एक तो वो यूं ऐसे करके मिक्सअप होते तो भी ठीक था, मगर अब यूं करके पैचेस नज़र आ रहे हैं मुझे। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं आज चलती हूँ और अपने बालों को 1 टोन में लेती हूँ। ये देखें ये ब्लैक है, ये रेड है और ये सारा गोल्ड है, अब शायद आपको नज़र आ रहा हो। तो इसको 1 टोन कराते हैं, ईद भी करीब है और हमेशा डाई या स्टिकिंग जब भी आप कराएं तो अपने इवेंट और ओकेजन से 15 दिन पहले ज़रूर कराएं, ताकि जितना डाई आपका वॉश होता है और मतलब दिन गुजरते हैं तो वो कलर और भी इन्हांस होता है और मिक्स होके वो अच्छा सा बन जाता है। तो फिर चलते हैं, कुछ थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, देखते हैं टाइम है कि नहीं है, और फिर निकलते हैं और देखते हैं किस सैलून में हम करा रहे हैं, वो फिर आपको बताते हैं। दिखाते रहते हैं, साथ में रखते हैं और फिर मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। थोड़ा सा चेंज आपकी पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बना देता है और थोड़ा सा फ्रेश लुक भी आता है आपको, और आपको ऐसा लगता है कि आपका फेस कलर में, आपके बालों में जब चेंज आता है तो बहुत सारी चीज़ें फेस की चेंज हो जाती हैं। और समर चल रहा है वैसे ही ये सारा जो है ना बहुत ज़्यादा फैल गया है मेरा तो, और बाल भी ख़राब हो रहे हैं। तो मैं और मरियम आ गए हैं, बैठे में वेट कर रहे हैं हमारी टर्न कब आएगी। एंड मुझे ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज का बड़ा
बड़ी खुशी हो रही है जी जनाब। तो हमारा अभी इस वक्त सिलेक्शन हो रहा है। ये वाला टाइम जो है बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम होता है कि आपको कौन सा शेड लेना है। तो हम ये शेड इसमें से पसंद करते हैं। आई वॉन्ट टू गो विथ ब्राउन्स, तो आप क्या सजेस्ट करोगे मुझे? सो हमने डिसाइड किया इनकी मदद से कि हम अपना जो बेस कलर है वो 7 रख रहे हैं, नहीं 6, ओके बेस कलर हम 6 रख रहे हैं जो कि डार्क होगा, और जो हमारा बालियाज का कलर होगा वो कौन सा रख रहे हैं? ये वाला 8-1 और 9-1। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर इट और स्टार्ट करते हैं। Give my hair to a balayage touch, और आपकी मेरी जल रही है but it will be fine inshallah। कुछ अच्छा निकलेगा तो ज़रूर अच्छा होगा, और बड़ी सारी discussions चल रही हैं साथ साथ about color, hair color, और क्या हादसा हुए मेरे साथ बालों के हवाले से, वो सब कुछ अब क्या बन के निकलता है वो देखते हैं। बट अब इन्होंने डिसाइड किया है कि वी आर डूइंग बालियाज, तो मैंने पहली बार कराया है। ये फॉयल्स लगे हुए हैं, देखते हैं क्या टर्न आउट निकलता है। जब आपका हेयर कलर चेंज होता है तो आपकी पर्सनालिटी में बड़ा चेंज आता है। अब लाइक आप और डिफरेंट लगने लगते हैं, आपकी पर्सनालिटी में एक जब आप अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, वेल ड्रेस्ड होते हैं और आपकी हर चीज़ प्रॉपर होती है, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होता है जो कि आपकी अपनी ज़ात के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चेंज कर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं कराना चाहिए बालों को, क्योंकि उसके बाद फिर बालों की स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, उसकी सर्वाइवल पावर ख़त्म हो जाती है। मगर हाँ, साल में एक बार अपने बालों का कलर ज़रूर चेंज कराएँ। अभी तो मैं उस एज पर नहीं पहुँची जहाँ पर कि मुझे ग्रे हेयर का मसला हो, मगर अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं पहुँची, मगर ये कि फिर भी थोड़ा सा चेंज ज़रूरी है। तो बस अब कुछ ही देर में चेंज होने वाला है, तो अब हम जा रहे हैं वॉश पे, फिर आपको दिखाते हैं वॉश करके फिर हमारे अंदर क्या चेंज आता है। जी जनाब, तो हमारा कलर हो गया डन। यहाँ से जो है वो डार्कर शेड दिया और पीछे से जो है बालियाज लुक दिया इन्होंने। और हम इस वक्त मौजूद हैं हिरा साथ के इस सैलून में, जो कि मोहम्मद अली सोसाइटी में मौजूद है। इनका स्टाफ बड़ा मज़े का है, और जो हमने चाहा वो उन्होंने हमें वो निकाल के दिया, करके दिया। जो कलर मैंने चाहा वो उन्होंने कर दिया। तो ये आप पीछे से मरियम आपको लुक दिखाती है, एंड डू कम एंड एन्जॉय योर सर्विसेज। यहाँ पर एक सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ पर इतनी मज़े की डील्स हैं जिसको आप इन्जॉय कर सकते हैं ड्यूरिंग, अगर आप अपना डाई ले रहे हो, और अगर आप अपना जो है वो कोई भी ऐसा लॉन्ग ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आप ज़रूर इनकी डील्स यूज़ करें। एंड आई रियली लाइक द एटमोसफियर, द स्टाफ, एवरीवन, बहुत अच्छा इन लोगों ने मुझसे किया डील। बस चाय नहीं करेंगे तो वो फिर हम अगली बार पी लेंगे इंशाल्लाह। घर आ चुके थे और ये देखें पुलाव बन रहा है, और पुलाव पे अब दम लगेगा क्योंकि मैं सालन बना के गई थी, अब मैंने सिर्फ चावल डालना है, लेकिन मैं डाल चुकी हूँ और चावल पक रहे हैं जी। तो ये पुलाव दम पे है, आप देख सकते हैं, और ये मैं जल्दी जल्दी से कचुम्बर, ये कचुम्बर हम बना सकते हैं लेमन की भी, और कचुम्बर हम बना सकते हैं जो हमारे पास मैंने रायता बनाया था उसकी भी। तो फिर मेरे ख्याल रायते को यूज़ कर लेते हैं। ये लेमन का बना रहे हैं, लेमन का बना ले। ये हमने थोड़ा सा प्याज ली, थोड़ी सी हरी मिर्ची, ये सब मैंने वॉश करके रखा हुआ था, ये हमने हरी मिर्च डाल दी, हरा धनिया, थोड़ा सा हमने डाल दिया पिंच ऑफ नमक, सॉल्ट फॉर द टेस्ट, और फिर डालना है हमने लेमन स्क्वीज करके इसमें,
ये लेमन वाली कचुम्बर है, आप इसमें दही भी डाल सकते हैं, रायता भी डाल सकते हैं, ताकि आपको अगर रायते वाली खानी है एज़ पर योर टेस्ट। और अभी हमने कर दिया इसको अच्छे से मिक्स और ये आपकी तैयार हो गई लेमन वाली कचुम्बर। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं पुलाव निकाल के कैसा जूसी पुलाव बना है। सो अब पुलाव हमारा तैयार हो चुका है, कैमरा करीब लाओ, 1 2 3। देखिए ज़बरदस्त पुलाव रेडी। तो हम ये इसको अब मरियम के लिए डिश आउट करते हैं क्योंकि उसको बहुत भूख लगी हुई है। मरियम ने आज ये बनाया चना चाट, मज़े की चटपटी बनी है। जी जनाब, तो हमें जो है वो पीआर पैकेज रिसीव हुआ है। आज सुबह जब मैं उठी तो मेरे पास ये सारा पीआर पैकेज आया हुआ था। इसमें है मेरी पसंदीदा फेवरेट प्रोडक्ट्स और वो है कलर्ड लेंसेज, जो कि है कलर लेंसेज की तरफ से मुझे मौसूल हुआ है। तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये भेजे और फिर मैं अब इसको लगाऊंगी, पहनूंगी, अभी भी आपको पहन के दिखाऊंगी और किसी इवेंट में भी पहन के दिखाएंगी जिसमें हैवी मेकअप होगा कि ये कलर कैसे लगता है। आई हैव लॉट ऑफ इन ग्रीन एंड ग्रे कलर, तो फिर मैंने कहा कि ब्राउन्स में कुछ भेज दें। तो फिर उन्होंने मेरे ख्याल ये कलर हमें भेजा, ये जरकोन ब्राउन है और ये है रशियन ब्राउन। तो अब हम आपको ट्राई करके लगा के बताते हैं कि कैसे हैं। सो दिस इज जो जरकोन ब्राउन जो मैंने लगाया है अभी ये वाला, और अब जो मैं लगा रही हूँ वो है रशियन ब्राउन। तो ये मैंने इसको लिया ऐसे, और लेंस जो है मैं बचपन से यानी 15-14 में यूज़ करती हुई आई हूँ। सो अब मुझे आदत हो गई है। अब देखिए दोनों ब्राउन शेड में है और ये ज़रा सा प्रोमिनेंट है, डल है, और ये लाइट है, लाइट है और खिलता हुआ, ये प्रोमिनेंट है और डल है। कैसा लग रहा है आपको और कौन सा वाला मेरी आंखों में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जरकोन ब्राउन या रशियन ब्राउन, ज़रूर बताइएगा जी। तो मैं कलर लेंसेज वालों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी ज़बरदस्त लेंसेज मुझे भेजे हैं, साथ साथ उन्होंने ये किट भी भेजा है, बॉक्स है, ये ज़बरदस्त सा किट है। आई थिंक मैं आपको बताती हूँ, वो आप ट्रैवल किट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक इन्होंने ये भेजा है, इसको जब आप ओपन करते हैं तो इसमें से एक लेंस की किट है और ये लेंस निकालने का है आँखों से, और ये वाली जो चीज़ है ये लेंस की जो आपकी जो किट है इससे निकालने का, यानी अगर आप हाथ से ना लेना चाहें तो आप किट से निकाल सकते हैं। इसके ऊपर सिलिकॉन रबर लगी हुई है, तो आप इसको एज अ किट भी, और हाँ इसके अंदर मिरर भी है। सो थैंक यू सो मच कलर लेंसेज, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये पीआर पैकेज भेजा। उम्मीद है मेरे व्यूअर्स को भी देख के बहुत अच्छे लगे होंगे। थैंक यू सो मच।